हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन सेकेंड पेपर में मैं आपको आगे का टॉपिक बौद्ध युग में शिक्षा पार्ट टू के विषय में बताने जा रही हूँ। पार्ट वन में यानी इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बौद्ध युग में शिक्षा का अर्थ बताया, उसके कुछ और भी अन्य प्रमुख जो प्रकरण थे उनके विषय में बताया था। आज मैं बात करूंगी पवज्जा संस्कार की। आपको याद होगा वैदिक काल में मैंने आपको बताया था उपनयन संस्कार के विषय में, जो कि शिक्षा प्रारंभ करने के समय होता था। उसी तरह से बौद्ध युग में पवज्जा संस्कार था, उससे शिक्षा प्रारंभ होती थी। दैट मीन्स जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो सबसे पहले उसका पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का शुद्ध रूप है प्रवज्ञा, जिसका अर्थ है शिष्य का शिक्षक के पास बाहर जाना। मीन्स जब बालक जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता था तब उसका प्रवज्ञा संस्कार होता था। इसके लिए माता पिता उसे बालक को यानी कि संग में ले जाते थे, साथ में ही घरेलू वस्त्र उतार कर उसको पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे और दंड या मेखला जिसको कहते हैं उसको धारण करके वे गुरु के समक्ष उपस्थित हो जाता था और गुरु भी उसको शरणत्रयी, जिसके विषय में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, और इन वचनों का जो है पालन, साथ ही साथ 10 और भी नियम होते थे जिनका पालन करने के लिए कहता था। और इसके बाद जो है वह बालक संघ में सदस्य बन जाता था या शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। इसके बाद जो है उसे एक भिक्षु की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होता था, गुरु की सेवा करनी होती थी। इस तरह से वैदिक काल में कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार, और बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार, जिससे शिक्षा प्रारंभ होती थी। इसके बाद बात करते हैं उपसंपदा संस्कार की। यह संस्कार समावर्तन संस्कार से भिन्न होता है। पहले तो आप ये याद करिए कि समावर्तन संस्कार के विषय में मैंने क्या बताया था। समावर्तन संस्कार के समय मैंने आपको बताया था कि जब बालक अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता था, इसके पश्चात जब वह घर के लिए वापस जाता था, समावर्तन का अर्थ क्या होता था? वापस घर की ओर लौटना। इसी तरह से उपसंपदा संस्कार है, लेकिन लिखा हुआ है क्या इसमें? यह संस्कार समावर्तन संस्कार से भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि वैदिक काल में समावर्तन संस्कार के बाद जो है यानी बालक घर की ओर प्रवेश करता था, लेकिन बौद्ध काल में क्या था, जब बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता था इसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होते थे, दो विकल्प होते थे। पहला, या तो वह घर की ओर प्रस्थान करे मीन्स शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और या तो वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भिक्षु बनकर उसी संघ का आजीवन सदस्य बना रहे। अगर बालक दूसरा विकल्प का चयन करता था मीन्स वह आजीवन संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार होता था, तब उसका यह संस्कार किया जाता था उपसंपदा संस्कार। और इस संस्कार में क्या होता था? पूजा पाठ हवन यज्ञ के द्वारा उसको पूरी तरह से शुद्ध किया जाता था, और इसके बाद उसे और भी कठोरता से के जो नियम होते थे उनका पालन करने के लिए कहा जाता था। और साथ ही साथ याद होगा आपको मैंने बताया था कि सिर मुंडवाकर भिक्षु व भिक्षुणी रहते थे, तो इस तरह से उसको वहां का सदस्य बनकर आजीवन वहां रहना पड़ता था तथा साथ ही साथ और भी शिष्यों को शिक्षित करने का मौका मिलता था। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक संरचना की। शैक्षिक संरचना एजुकेशनल स्ट्रक्चर, आपको याद हो वैदिक काल में मैंने क्या बताया था? प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, शिक्षा के दो भाग बताए थे। अब बौद्ध काल में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, और साथ में क्या है? भिक्षु शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की अवधि थी 6 से 12 वर्ष। शुरू कहाँ से होती थी? अभी अभी मैंने बताया पवज्जा संस्कार से। प्रारंभिक शिक्षा पवज्जा संस्कार से शुरू होती थी, 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती थी। इसके बाद होता था उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के बाद शुरू होती थी,
12 से 20 वर्ष तक होती थी और लगभग निःशुल्क ही होती थी, प्रारंभिक शिक्षा भी और उच्च शिक्षा भी। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो छात्र इच्छुक होते थे वो भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, लेकिन इसके लिए मैंने बताया बहुत ही कठोर नियम होते थे जिनका पालन करना आवश्यक होता था। तो ये विकल्प होता था उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और उसके लिए कौन से संस्कार की बात की मैंने, उपसंपदा संस्कार। अगर भिक्षु शिक्षा ग्रहण करनी होती थी तो उसके पहले उपसंपदा संस्कार होता था, तब आप भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य यानी एम्स। बौद्ध युग में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य जैसा कि आप देख पा रहे हो, सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। याद हो आपको वैदिक काल में भी मैंने यही बताया था कि सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति। उसी तरह से बौद्ध युग में भी पहला जो इसका एम था वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। याद होगा आपको कि मैंने इसमें बौद्ध युग में जब स्टार्टिंग की थी तो बताया हुआ था आपको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, चार आर्य सत्य बताए थे। उन आर्य सत्य में लास्ट था निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति, मीन्स गौतम बुद्ध ने भी इस उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताया था कि हमारी शिक्षा का या बौद्ध युगीन शिक्षा का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। सेकेंड है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन मीन्स ज्ञान का अर्जन करना या ज्ञान प्राप्त करना। बौद्ध युग में शिक्षा में क्या था कि ज्ञान के अर्जन करने पर विशेष महत्व दिया गया था, कि किसी भी शिक्षा का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान विहीन शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है, अतः बौद्ध युग में भी शिक्षा में ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। बौद्ध युग में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने को भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था, क्योंकि उनका मानना था हम शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिक से अधिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, साथ ही साथ इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया गया धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। और उनके पाठ्यक्रम में भी यह सम्मिलित किया गया था कि बालकों को धार्मिक शिक्षा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा दी जाए, ताकि जिससे बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं चारित्रिक विकास की। चारित्रिक विकास, चारित्रिक मीन्स चरित्र का विकास। बौद्ध युग में चारित्रिक विकास पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया था। ऐसा माना गया था कि अगर बालक का चारित्रिक विकास ढंग से नहीं हो पा रहा है तो इस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। और जैसा कि आप जानते हो कि बौद्ध युग में भी बहुत अधिक नियम थे कठोर, जिनका पालन करना आवश्यक था, चोरी ना करना, मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, श्रृंगार नहीं करना, इस तरह की कई सारे कठोर नियम थे जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता था। और उसके लिए चरित्र का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उत्तम चरित्र के जो है ये सब संभव नहीं है। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास या व्यावसायिक शिक्षा भी जिसे कह सकते हैं। व्यावसायिक विकास के अंतर्गत जो है बालक को इस प्रकार के व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी जिससे बालक का उत्तम से उत्तम विकास हो सके, साथ ही साथ वह किसी व्यवसाय को करने के लिए निपुण हो सके और आगे अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन कर सके, कुछ धन कमा सके, अतः व्यावसायिक विकास पर भी जोर दिया गया था। और इस तरह से ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, जो कि वैदिक काल में भी था। सेकंड है ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन भी आपका वैदिक काल में था। ये कुछ सिमिलरिटीज हो, याद हो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि अगर आप सिमिलरिटीज करके पढ़ेंगे तो आपको इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्ञानार्जन भी था, धार्मिक शिक्षा प्रदान करना भी वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, चारित्रिक विकास करना भी उद्देश्य था, और व्यावसायिक विकास, ये सारे ही उद्देश्य आपको वैदिक कालीन शिक्षा में भी मिल जाएंगे। तो ये सिमिलरिटीज है वैदिक काल और बौद्ध युग में शिक्षा की। पवज्या संस्कार, और उसमें क्या था उपनयन संस्कार। यहाँ पर उपसंपदा संस्कार, वहां पर समावर्तन संस्कार, हालांकि डिफरेंस है दोनों में। यह वापस लौटने पर होता था और ये आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए।
शैक्षिक संरचना की बात करें तो वैदिक काल में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा और बौद्ध काल में एक शिक्षा कौन सी बढ़ गई आपकी, भिक्षु शिक्षा बढ़ गई। उद्देश्य सिमिलर है जो कि वैदिक काल में थे और बौद्ध काल में भी है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी के पार्ट 3 के साथ। अभी इस चैप्टर में काफी कुछ आपका बाकी है जो कि आता है एग्जाम की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट भी है। इसमें पवज्जा संस्कार इम्पोर्टेंट है, उपसंपदा संस्कार इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जैसा प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया हुआ था और शायद सिलेबस में भी आपको बताया हुआ था कि संस्कार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये संस्कार आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।